दोस्तों, अंडा करी बनाने के लिए हम सबसे पहले अंडे को उबाल लेंगे और इसके बाद हम प्याज काट लेते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। इसके बाद लहसुन और मिर्च लेते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, प्योर देसी घी। इसके बाद इसको गर्म करेंगे और हमने ले लिए धनिया, मिर्च और हल्दी। इसके बाद हम घी में जीरा डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा प्याज और लहसुन, इनको फ्राई करेंगे। इसके बाद हम सारे प्याज, मिर्च और लहसुन को एक साथ डाल देंगे। अब हम धीरे धीरे इनको पकाएंगे जब तक कि ये ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। इनको अच्छे से धीमे आंच पे पकाना है क्या कि अच्छा फ्लेवर आए। इसके बाद इसमें खड़ा मसाला डाल देना है और इसे भी पकने देंगे। इसके बाद मिर्ची, धनिया का पेस्ट डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे। पानी उतना डालेंगे कि ये अच्छे से गल जाए, इसमें अच्छे से पक जाए। अब धीरे धीरे ये पानी भाप बन के उड़ता जाएगा। अब हम इसे तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि पूरा पानी भाप बनकर नहीं उड़ जाता। देखिए अच्छे से पक गया है। अब पकने के बाद हम इसमें पानी और मिलाएंगे क्योंकि हम अंडा करी बना रहे हैं। पानी मिलाएंगे तो इसे हम उबालेंगे जब तक हमें आवश्यकता अनुसार पानी बच नहीं जाता उसमें। इसके बाद हम इसमें अंडों को डाल देंगे। अंडों को डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे कुछ देर के लिए। ज़्यादा आपको इनको हिलाना नहीं है ताकि ये पिघले नहीं। इसके बाद तैयार है अपना अंडा करी। खा के बताओ दोस्तों कैसा लगा, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। थैंक यू।